पक्षकार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मंडीशन होना चाहिए, हिंदू पक्षकार के नहीं होना चाहिए। तो देखिए हिंदू पक्ष में कुछ दखल है क्या है? देखिए हिंदू पक्षकारों का शुरू से मत रहा है कि इस मामले का समझौता और इस मामले का निस्तारण मीडिएशन से नहीं हो सकता है। हिंदू पक्षकारों ने आज सेम स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा अपनी एप्लीकेशन द्वारा, जिस पर राजीव धवन ने अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इस एप्लीकेशन का संज्ञान लेना चाहिए। उस पर कोर्ट ने कहा कि हमने मैटर में मीडिएशन सजेस्ट किया था, हमने मामला मीडिएशन को भेजा है और इसीलिए कांग्रेस से रिपोर्ट मांगेंगे कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है वो कोर्ट को बताएं। और उन्होंने ये कहा मीडिएशन पैनल को कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें बाय थर्सडे जस्टिस कलीफुल्ला को। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट करें और कोर्ट को बताएं कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सारी पार्टीज को जिनको अपना ट्रांसलेशन दाखिल करना है वो अपना ट्रांसलेशन दाखिल करें। हिंदू पक्षकार की तरफ से क्या दलील दी गई है? देखिए हिंदू पक्षकार लग रहा है कि आगे प्रोग्रेस, देखिए हिंदू पक्षकारों का बहुत ही क्लियर स्टैंड रहा है कि इस मामले का हल मीडिएशन से नहीं निकल सकता है। ये बात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन में भेजी थी उससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी और आज भी जब मीडिएशन में पार्टिसिपेट किया, 11 हियरिंग हुई है मीडिएशन की, उसमें भी हिंदू पक्षकारों ने पार्टिसिपेट किया है और उन 11 मीटिंग्स में इस मामले का कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू पक्षकारों ने ये एप्लीकेशन फाइल की है कि इस मामले का